सो गाइस देख सकते हो अभी का मौसम कुछ ऐसा बना हुआ है। गाइस देख सकते हो यहाँ पर कुछ काम चल रहा होगा। सो गाइस आप लोग देख रहे होगे इतनी बड़ी हवेली। यहाँ का सीन ऐसा है कि लखीमपुर में मेरा वीडियो नहीं बना यार। हे गाइस वेलकम बैक टू ब्रांड ब्लॉग। और गाइस हम आपको दिखाएंगे ये इस पे नया वीडियो। और गाइस सभी मैं बता दूं मैं कहाँ पर हूँ। मैं अभी बस के अंदर बैठा हुआ हूँ और मैं जा रहा हूँ लखीमपुर। एक्चुअली मैं गांव में आया था कुछ काम से। एक्चुअली मेरी नानी बीमार थी तो अपने नानी को देखने के लिए आया था। और अब मैं जा रहा हूँ लखीमपुर। लखीमपुर से अपने कॉलेज जाऊँगा और जैसे जैसे गाइस जाऊँगा और वैसे ही आपको वीडियो दिखाता रहूँगा। तो सबसे बात है और गाइस बस दिखाता हूँ। बस कुछ ऐसे दिखती है। Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. और गाइस अभी हम घूम रहे हैं लखीमपुर में। एक्चुअली ये हमारे यूपी का जिला है, मतलब कि हाँ जिला ही है। और फिलहाल तो गाइस यहाँ पर बहुत गर्मी हो रही है और ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा है। आप फल फ्रूट जो भी आप खाना चाहो वो ले सकते हो। यहाँ पर मार्केट है, ये ब्रिज है ऊपर, ब्रिज के नीचे मार्केट है। गाइस गुड मॉर्निंग। सो गुड मॉर्निंग गाइस, अभी मैं यहाँ पर हूँ लखीमपुर खीरी में। मतलब कि यहाँ कुछ काम तो नहीं था ऐसे, फिलहाल मैं अपने कॉलेज जा रहा था। तो मेरा दोस्त शिवांशु है, मैं उसका वेट कर रहा हूँ यहाँ पर। मतलब कि वो कब जाएगा, मैंने उसे पूछा भाई कब जाएगा, तो उसने पहले बोला कि मैं जाऊँगा 18 तारीख को। फिर उसने बोला कि भाई चलते हैं 20 तारीख को। फिर उसने बोला कि भाई चलते हैं 21 तारीख को। सो गाइस इसलिए मैं यहाँ पर रुका हुआ हूँ। लेकिन फिलहाल 21 तारीख को हम जाएंगे अपनी यूनिवर्सिटी और शाम को पहुँच जाएंगे। और गाइस वहाँ पर जाएंगे और वीडियो बनाएंगे अपनी यूनिवर्सिटी का और आपको दिखाएंगे। सो गाइस फिलहाल ये लखीमपुर खीरी में रुका हुआ हूँ। ये हमारा ज़िला है, काफ़ी बड़ा हुआ है, काफ़ी बड़ा ज़िला है। और अभी गाइस सुबह सुबह का सीन है, तो सुबह सुबह मौसम भी काफ़ी शानदार है, काफ़ी अच्छा है। मतलब कि पूरी ठंडी वाली वाइब आ रही है ऐसे गाइस मज़ा आ रहा है। लेकिन गाइस ये जो लखीमपुर एरिया है काफ़ी बड़ा है ऐसे, ये ज़िला जो है। और ये कुछ यहाँ का ऐसा सीन है जहाँ मैं रह रहा हूँ। चलो गाइस। सो गाइस देख सकते हो अभी का मौसम कुछ ऐसा बना हुआ है। मतलब कि पूरा ये कंडीशन है कि अभी थोड़ी देर में बारिश होने वाली है। देखते हैं गाइस बारिश होती है या नहीं होती है। मतलब गाइस पूरे काले बादल हो चुके हैं, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर बारिश होने वाली है। अगर बारिश हो जाए तो भी बहुत अच्छी बात है,
क्योंकि बहुत दिन से बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। मैं भी सोच रहा हूँ कि यार बारिश हो जाए और बारिश में नहाया जाए, क्योंकि बहुत दिन से क्या साथ एक दो एक बहुत दिन से नहीं हाँ बहुत दिन से मैं बारिश में नहाया नहीं हूँ, क्योंकि बारिश में नहाना अच्छा होता है। मतलब कि जो फर्स्ट बारिश होती है उसमें नहाना अच्छा नहीं होता है, लेकिन जो सेकेंड बारिश होती है अगर आप उसमें नहाते हो तो अच्छा होता है। मतलब कि आपके शरीर में जो भी दाने हैं, फोड़े फुंसी हैं, वो थोड़े ठीक हो जाएंगे, क्योंकि सेकेंड बारिश का पानी थोड़ा अच्छा होता है। सो, मैंने पहले ही बोला था कि यहाँ पर बारिश होने वाली है और आप देख सकते हो कि यहाँ पर बारिश हो रही है शानदार तरीके से। काफ़ी अच्छा सीन है लखीमपुर का और हवा भी चल रही है। इसमें आप देख सकते हो पत्ते अच्छी तरीके से हिल रहे हैं। कितना मौसम शानदार हो गया है इस बारिश के मौसम में। सो गाइस, बारिश हो चुकी है और आप देख रहे होगे जब बारिश हो जाती है कितना शानदार मौसम हो जाता है, पूरा ठंडा ठंडा। अरे वाह, कितना फ्रेश मौसम लग रहा है। आप देख सकते हो पूरा छत गीला पड़ा हुआ है और इधर तो पानी ही पानी पूरा भर गया है। एक्चुअली ये पानी तो निकल नहीं पा रहा है। और पेड़ देख सकते हो आप, पानी, वाह। गाइस, आप देख सकते हो बादल अभी भी छाए हुए हैं, मे भी बारिश हो भी सकती है दोबारा, लेकिन फ़िलहाल बारिश अभी तो बंद हो गई है। काफ़ी घंटे से बारिश हो रही थी इसलिए। गाइस, जो बारिश के बाद मौसम बनता है ना, वो मौसम काफ़ी घूमने लायक होता है। मन तो करता है बाहर निकल के बस घूमो पानी में, ठंडे ठंडे में बहुत मज़ा आता है। एक्चुअली गाइस, बारिश के बाद ऐसा मौसम ही हो जाता है मतलब कि घूमने लायक, क्योंकि गर्मी में इतना घूमने में मज़ा नहीं आता है जितना बारिश में घूमने में मज़ा आता है। मतलब कि बारिश हो जाए उसके बाद बाहर निकलो, इतना फ्रेशनेस फील होगा, मतलब कि अच्छी अच्छी हवाएं चलती हैं और मज़ा आता है घूमने। चलो, सो गाइस, अभी बारिश हो चुकी है और हम घूम रहे हैं ये लखीमपुर रोड में। एक्चुअली कुछ काम तो है नहीं, बस हमारा घूमने का काम है। और ऐसे भी गाइस हम कुछ खरीदने नहीं जा रहे, बस घूम ही रहे हैं, मतलब कि बारिश के बाद उसका ठंड वाला मज़ा लेना। गाइस, देख सकते हो यहाँ पर कुछ काम चल रहा होगा। सो गाइस, आप लोग देख रहे होगे इतनी बड़ी हवेली कोई बनवा रहा होगा। ऐसे गाइस, लखीमपुर जो एरिया है घूमने के लिए सही भी है, क्योंकि यहाँ पर जो रास्ते हैं बहुत बड़े बड़े हैं। और गाइस मैं बता दूँ, यहाँ पर जो हाँ लोग भी काफ़ी रिच हैं, और ऐसे मतलब कि जहाँ तक है मैंने देखा है कि यहाँ पर लोग मिडिल क्लास हैं, मतलब कि ज़्यादा रिच भी नहीं और ज़्यादा गरीब भी नहीं, पर अच्छी बात है। ऐसे फ़िलहाल गाइस हम भी ऐसे घूम रहे हैं आराम से, क्योंकि अच्छा लग रहा है, क्योंकि इस समय कुछ धूप नहीं निकली हुई है। जब धूप निकली होती है तो घूमने में अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि धूप भी बहुत ज़्यादा लगती ना सर में और पूरी तरफ, मतलब कि पूरा गर्म गर्म सा लगता है शरीर के अंदर, तो वो भी अच्छा नहीं लगता है। लेकिन ठीक है, अभी बारिश का मौसम है और बारिश हुई थी और बारिश ख़त्म भी हो गई। अब देखते हैं गाइस शाम को बारिश होती है नहीं होती है, अगर शाम को बारिश हो जाए तो भी अच्छी बात है, मतलब कि सोने में रात को हो जाएगा। लेकिन जब बारिश का समय होता है और जब सोते हैं तब तो और अच्छा लगता है। यहाँ का सीन कुछ ऐसा है लखीमपुर में, मतलब कि जो यहाँ पर मकान है कम से कम 2-3 मंजिला ऐसे आपको मकान देखने के लिए मिल जाएंगे, मतलब कि छोटी छोटी बिल्डिंग, लेकिन इतनी बड़ी बिल्डिंग भी नहीं है। अगर आप दिल्ली में जाओगे तो दिल्ली में काफ़ी बड़ी बिल्डिंग होती है, मतलब कि 25-30 मंजिल तक बिल्डिंग होती है, लेकिन यहाँ पर छोटी छोटी हैं, वो भी सही है। अरे गाइस, आपको यहाँ से कुर्सी चाहिए, आप कुर्सी उर्सी ले सकते हो। सो, अभी हम जा रहे हैं जियो स्टोर, देखते हैं वहाँ पर क्या सीन है। एक्चुअली गाइस हम जियो स्टोर इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हमें एक फ़ोन चाहिए छोटा वाला, जो घर में देना है, मतलब कि मेरा भाई का लड़का है तो उसको अपने घर में देना है, तो इसलिए हम देखने जा रहे हैं, देखते हैं मिलता है नहीं मिलता है, मिलेगा तो हम दिखाएंगे आपको। गाइस, ये जो भी बनवा रहा है काफ़ी शानदार है, देखने में तो बहुत खूबसूरत लग रही है। एक्चुअली इसका व्यू ही थोड़ा अलग से दिख रहा है, मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी खर्चा आया हुआ है इसे बनवाने में।
जैसा मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो मकान होते हैं कम से कम 2 मंजिल और 3 मंजिल तक होते हैं, ज़्यादा बड़े मकान नहीं होते हैं। और यहाँ पर जो दुकान होती है वो भी छोटी छोटी होती हैं, ज़्यादा बड़ी दुकान नहीं होती हैं। आप देख रहे होगे ये 24 बड़ा बाज़ार, यहाँ से आप सामान वामान खरीद सकते हो अगर आपको जो भी सामान खरीदना चाहो। और ये दूध वाले भैया हैं, दूध दे रहे होंगे किसी को। बड़ा बाजार मैंगो केले, मेरा वीडियो नहीं बना यार। अभी कैसे एक एक्सीडेंट होने वाला था, सामने सामने हम जा रहे थे तो भाई एक बंदा जा रहा था स्कूटी लेके और बात कर रहा था, उस जैसे ही ओवरटेक किया ले घुसा दी और जो स्कूटी थी वो गिर गई। तो इसलिए फिलहाल गाइस कहते हैं कि जब भी आप ड्राइव करो तो मतलब मोबाइल लेके ड्राइव ना करो, बात करते करते, क्योंकि अगर बात करते करते आप ड्राइव करोगे तो बाई चांस एक्सीडेंट हो सकता है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन उसने किया, मैं वीडियो बना नहीं पाया तो आपको दिखाता। सो गाइस अभी हम यहाँ पर आए थे मोबाइल देखने के लिए जियो केयर में, और फिलहाल अब मोबाइल ही खरीद रहे हैं, मतलब कि पैसे उससे लेके आ गए हैं और मोबाइल खरीद रहे हैं। देखते हैं और मोबाइल ले लेंगे, हम आपको दिखाएंगे। जो कीपैड मोबाइल जो आपने देखा होगा, मतलब कि जो पहले मिलता था 1600-1500 रुपये में, लेकिन अब वो मिलता है 2200 रुपये में। ये है जियो केयर। एक्चुअली गाइस हम बाहर बैठे हुए हैं जियो केयर में, इतना गर्मी लगी ना इसके अंदर, तो हमने सोचा चलो चलते हैं बाहर बैठेंगे, बाहर थोड़ी अच्छी हवा आ रही है, क्योंकि अभी भी वायरस हुई है तो अच्छी हवा आ रही है। तो फाइनली गाइस मोबाइल यहां पर देख लिया है, मोबाइल जो बताया है 2200 का मोबाइल बताया है। एक्चुअली गाइस जो जियो के मोबाइल थे, मतलब कि छोटे वाले कीपैड, वो मिलते थे 1500-1600 में, लेकिन इस बार वो सब बता रहे हैं कि ये 2200 का मोबाइल है, अगर आपको चाहिए तो ले लो। और 2 ही पीस बचे हुए हैं, तो हम गाइस हमने उसको 200 रुपये एडवांस दे दिए हैं। और ये भाई हैं, ये भाई के लड़के हैं, ये आएँगे ले लेंगे, तो ये अच्छी बात है। सो अभी सुनने में मिला कि उनकी जो जियो वाली मशीन है, मतलब कि जिससे सिम कार्ड खुलती है, तो उनकी मशीन ख़राब हो गई है, तो इसलिए अभी हम मोबाइल नहीं लिए हैं, मतलब कि पहले सिम लेंगे और फिर मोबाइल लेंगे और फिर पैसे पेमेंट करेंगे। तो फिलहाल ये कर देंगे कल, तो देखिए अब कल ही आएंगे, अब दुआ तो आएंगे नहीं, क्योंकि जो जियो स्टोर है काफ़ी दूर है, पास में तो है नहीं इसलिए, और मैं चला जाऊँगा अपना कॉलेज। सो गाइस घूम फिर के हम यहाँ पर आ गए हैं, हम बाहर घूमने गए थे, जियो मोबाइल लेने गए थे, ऐसे फिलहाल हमारा कोई प्लान तो नहीं था, लेकिन हम तब भी चले गए घूम रहे थे ऐसे, लेकिन तब भी हम फ़ोन मतलब कि जियो स्टोर में गए और वहाँ पर फ़ोन देखा और फ़ोन नहीं लिया है, वो भाई के लड़के हैं वो फ़ोन लेके आ जाएंगे, और तब तक तो मैं अपना कॉलेज चला जाऊँगा। सो गाइस चलो गाइस करते हैं वीडियो प्लीज, इफ यू लाइक माय वीडियो सो प्लीज कमेंट शेयर एंड लाइक subscribe and please press the bell icon. I know you told your friend.